हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको चिकन पिन व्हील समोसा की रेसिपी दिखाऊंगी। बहुत लजीज होती है, बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसको इफ्तार टाइम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे भी आप नॉर्मल डेज में इसको स्नैक्स टाइम में तैयार करके रख सकते हैं। आप इसको बना के फ्रीज करके भी रख सकते हैं। तलने से पहले आप उसको थोड़ा सा आटे का आटा, हल्का हल्का आटा लगा के आप उसको किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके इसको रख सकते हैं। मैं एक ही चिकन के पेस्ट से दो रेसिपीज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। चिकन पिन व्हील समोसा बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम चिकन लिया है, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। नमक और थोड़ा सा लहसुन डाल के, लहसुन का पेस्ट डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया है। स्प्रिंग अनियन के पत्ते हैं ये और उसके वाइट है ये अनियन। तीन हरी मिर्च मैंने ली हैं, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गर्म मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून चाट मसाला और नमक थोड़ा सा लिया है हमने, जो ये सब्जियां डालेंगे उसके लिए है। और इसमें तो हमने पानी, इसमें हमने नमक डाला ही था। थोड़ा सा हम हरा धनिया ऐड करेंगे। तो हम एक चॉपर ले लेते हैं, इसमें सारे सब इनको मिक्स कर लेंगे। एक अच्छा सा पेस्ट हमें बनाना होगा। सबसे पहले ये डाल देते हैं इसमें। साथ में ये हरी मिर्च डाल देते हैं। प्याज डाल देते हैं इसमें। स्प्रिंग अनियन। अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है, उसको मैं बोल में कन्वर्ट कर लेती हूँ। अब ये सारे मसाले इसमें हम डाल देते हैं और नींबू इसमें ऐड कर देंगे, हाफ नींबू। और उसको हाथ से ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा सूखा हरा धनिया मिला रही हूँ, मैंने इसको सुखा के रखा हुआ है। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा तैयार हो गया है, हम डो तैयार कर लेते हैं। मैंने एक कप मैदा लिया है और इसमें 3 चम्मच मैं सूजी का डाल रही हूँ और इसमें मैं 1 स्पून में नमक का डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं 1 टेबल स्पून में इसमें ऑयल डालूंगी। अब इस आटे को हम गूंद लेंगे। मैंने थोड़ा ठंडा सा पानी लिया है, हल्का ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें हम डो तैयार कर लेंगे। ये डो तैयार हो चुका है, इसको 10-15 मिनट के लिए मैं ढक के रख देती हूँ, फिर मैं आपको समोसा बना के दिखाऊंगी। 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा अंडा ऐड कर रही हूँ। मैंने एक अंडा बीट किया है, लेकिन मैं इसमें से थोड़ा ही लूंगी। बस थोड़ा इसके बाइंडिंग के लिए हम इसमें अंडा ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा बैटर तैयार है। इसमें से हाफ बैटर मैंने निकाल लिया है, मैं उससे आपको दूसरी रेसिपी बना के दिखाऊंगी। ये हमने आटा ले लिया है। मैंने ये रोटी बेल ली है, अब इसमें मैं ये बैटर चिपका दूंगी, जो पेस्ट हमने बनाया था इसमें मैं लगा दूंगी। मैंने ये इवनली पूरे में लगा लिया है, अब हम उसको धीरे धीरे रोल करेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून मैदा लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के एक बैटर की तरह तैयार कर लिया है। तो हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे साइड में लगा देंगे ताकि ये से चिपक जाए। एक शार्प नाइफ लेके आप इसको इसके गोल गोल आप काट लीजिए, हाथ से पकड़ के, हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल।
थोड़ी सी शेप काटने में बिगड़ सकती है, तो उसको हम हाथ से लेके इसको ठीक कर लेंगे। इस तरह से आप उसको ठीक कर लीजिए। जो आखिर वाले हैं वो थोड़े से उनकी शेप खराब आएगी क्योंकि उनमें फिलिंग कम होगी। अब देखिए कितनी आसानी से कट जा रहे हैं और कितना अच्छा शेप आ रहा है। जो जरा सा शेप बिगड़ जा रहा है आप उसको हाथ से इससे ठीक कर लीजिए। मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा मैदा डाला हुआ है, या आटा आप डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए, उस पर मैं इसको प्लेस करते जाऊंगी। तो सारे मैं आपको इसी तरह से काट कर ये सारे मैंने दिखाती हूँ। काट लिए हैं। अब मैंने जो ये बैटर बनाया था इसमें डिप कर करके मैं इसको फ्राई करूंगी। मैंने ये ब्रेड के पीसेस ले लिए हैं, आप व्हाइट लें, ब्राउन लें, जो भी आपकी मर्जी है। और ये चीज़ के मैंने कुछ क्यूब्स ले लिए हैं, और वही बैटर है चिकन का जो मैंने अभी थोड़ा सा रोका था। तो सबसे पहले हम इसको पानी में डिप कर लेंगे, डिप करके बस फौरन निकाल लेंगे। इस तरह से हथेली के बीच में रखते हुए आप इसको दबा दबा के इसका पानी निकाल दीजिए, सारा पानी निकाल दें। और इसमें से हम थोड़ा थोड़ा सा लेंगे, इस तरह से आप ले लें, और बीच में क्यूब रख दें, उसको आप शेप दे दें इस तरह से। इस तरह से बीच में लाएं सबको। इस तरह से कबाब की तरह ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आप ये देखिए कितना अच्छा सा शेप आ गया है, इधर से खुलेगा भी नहीं, बिल्कुल पैक हो गया है। जहां आपको लगे तो थोड़ा सा आप इसमें ब्रेड चिपका दें। तो इस तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। इसी तरह से चिकन ब्रेड पकौड़े तैयार हैं, हमने 6 बना लिए। ये वाइट ब्रेड में बहुत अच्छे बनते हैं, आप कोशिश करके इसको वाइट ब्रेड में बनाइएगा, बहुत अच्छे से ये चिपक जाते हैं। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। पिन व्हील समोसे को हम तल लेते हैं। ये मैंने ये जो बैटर बना हुआ था इसमें डिप कर करके मैं इसको फ्राई कर लूंगी। अच्छे खासे ब्राउन हो गए हैं और फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पे या एब्जॉर्बन पेपर पे, आप निकाल लें उसको। इसी तरह से सारे मैं तल लूंगी और आपको दिखाती हूँ। ब्रेड चिकन पकौड़ा फ्राई कर लेते हैं। एक साइड से फ्राई हो गए, इनको पलट देते हैं। अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनको अब निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम ये सारे तल लेंगे। चिकन पिन व्हील समोसा तैयार है। आप इसको घर में जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। घर में कुछ मेहमान आ रहे हो तो आप उसमें इफ्तार टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो नीचे एक लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है और एक बेल आइकन है, आप दोनों को प्रेस करेंगे तो आपको मेरे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शैला जफर खान।